तेलंगाना की सियासत में अपने काम और जद्दोजहद के बल पर केसीआर आवाम की पसंद बने हुए हैं। मौजूदा हालात में सियासत के बेताज बादशाह केसीआर के सफर को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जय तेलंगाना। के चंद्रशेखर राव का नाम हिंदुस्तान की सियासत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। टीआरएस पार्टी व्यवस्थापक अध्यक्ष लोग केसीआर गारु तेलंगाणा गांधी वारिकि स्वागतम सुस्वागतम। के चंद्रशेखर राव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नौजवान नेता के तौर पर सियासत में एंट्री ली। हालांकि इसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को उस वक्त ज्वाइन कर लिया था जब फिल्म स्टार से सियासतदा बने एनटी रामाराव ने 1983 में पार्टी की शुरुआत की। हालांकि जब उन्होंने सिद्दीपेट सीट से टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हाथों चुनाव हार गए, लेकिन केसीआर ने बाद में वापसी की और 1985 में कांग्रेस से ये सीट जीतकर छीन ली। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा दोनों सतह के चुनाव में उन्होंने 13 बार जीत हासिल की, जिसमें केसीआर ने करीमनगर, महबूबनगर और मेदक की सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत की तशकील के मुद्दे के साथ ही 27 अप्रैल 2001 में कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई। तेलुगु देशम से अलग होकर केसीआर ने तेलंगाना के महज एक मुद्दे के साथ जद्दोजहद की और साथ ही हैदराबाद पर भी अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 2004 में मरकजी वजीर भी बने। हालांकि केसीआर ने कांग्रेस पर तेलंगाना मुद्दे पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए गठजोड़ से नाता तोड़ लिया और वो तेलंगाना नाम की अलग रियासत के वजूद के लिए जोर देते रहे। 2009 में जब तेलंगाना आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो उन्होंने टीडीपी के साथ गठजोड़ कर लिया। उस समय आंध्र में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की लीडरशिप में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन वाईएसआर के नाम से मशहूर राजशेखर रेड्डी की इसी साल एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, जिससे सूबे में तेलंगाना के वजूद के लिए एक बड़े आंदोलन का मैदान खुला रहा। केसीआर नई पार्टी बनाने के पहले टीडीपी के साथ थे। तेलंगाना के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से इख्तलाफ होने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी, साथ ही विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया और तेलंगाना की तश्कील की मुहिम में जुट गए। आवाम का साथ केसीआर को मिला और आखिरकार तेलंगाना वजूद में आ गया। 2014 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में केसीआर ने यूपीए और एनडीए से बराबर की दूरी बनाकर रखी और टीआरएस ने तेलंगाना के मुद्दे पर अकेले चुनाव लड़ा। इस चुनाव में केसीआर को आवाम का भरपूर साथ मिला और 17 में से 11 लोकसभा सीटें केसीआर के खाते में गईं। वहीं विधानसभा की 119 सीटों में से 63 सीटों पर फतह हासिल कर केसीआर ने अपनी धमक का एहसास करा दिया। द पार्टी जनरल बॉडी मीटिंग यूनानिमसली रिजॉल्वड टू चेंज द नेम ऑफ द पार्टी फ्रॉम तेलंगाना राष्ट्र समिति टू భారత రాష్ట్ర సమితి। दो जून 2014 को चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले वजीर आला बने। केसीआर को तेलंगाना की आवाम का साथ ऐसा मिला कि साल 2018 में 119 में से 88 सीटें हासिल कर केसीआर तेलंगाना के बेताज बादशाह बने रहे। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की और वक्त के साथ साथ तेलंगाना ने तरक्की के नए आयाम तय किए। आपसी भाईचारे के साथ सूबे में कानून के राज की नई इबारत केसीआर ने लिखी। केसीआर ने अब पार्टी को नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया है। टीआरएस से पार्टी का नाम अब बीआरएस करके नेशनल लेवल पर चंद्रशेखर राव ने दस्तक दे दी है। न्यूज डेस्क, तहजीब टीवी।